अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं, और जब भी नए न्यूज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीता मिश्रा, आप देख रहे हैं फ्रेंच टाइम न्यूज, देवी पाटन मंडल ब्यूरो चीफ। निष्प्रयोज साबित हो रही करोड़ों की लागत से बनी पानी की टंकी। दुभा बाजार गोंडा मामला विकास खंड कटरा बाजार के ग्राम पंचायत कोटिया मादारा का है, जहां तकरीबन दो वर्ष पहले निर्मल परियोजना के तहत करोड़ों की लागत से पानी की टंकी बनाई गई थी कि लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, लेकिन ग्राम प्रधान व कर्मचारियों की लापरवाही के चलते निष्प्रयोज साबित हो रही है पानी की टंकी। तकरीबन 5000 लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। शुद्ध पेयजल के लिए लगभग दो वर्ष पूर्व पानी की टंकी का निर्माण निर्मल परियोजना के तहत कराया गया था, जिससे कोटिया माजारा पूरे ग्राम पंचायत में शुद्ध पानी की सप्लाई की जा सके। ग्राम प्रधान व अधिकारियों की शिथिलता के चलते अब तक पानी की सप्लाई नहीं की जा सकी। कोटिया माजारा के गंगा नेता लाल जीत शुक्ला, रामेश्वर यादव, विनोद चौहान, दीपक शुक्ला, त्रियुगी नारायण, रामनाथ यादव, राजकुमार कोरी, हरिराम कोरी, लल्लन यादव, हरिद्वार यादव आदि लोगों ने बताया कि इस मामले को लेकर हम लोगों ने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वही जेई जल निगम विभाग ने बताया कि दो साल पहले से टंकी पूर्ण रूप से तैयार है, लेकिन ग्राम प्रधान टंकी का हैंडओवर नहीं ले रहे हैं, इसलिए संचालन में बाधा हो रही है। दीप नारायण शुक्ला और दीपक शुक्ला। अच्छा, ये कौन सा ग्राम पंचायत है? कोटिया मदारा। समस्या क्या है आपकी? हमारी समस्या, हमारे यहाँ कुछ दिन पहले जल का जांच हुआ था जी, जो हमारे यहाँ का पानी बहुत दूषित पाया गया जी। उसके तहत निर्मल परियोजना के तहत तरफ से एक टंकी बनाई गई थी हमारे यहाँ ग्राम सभा में जी, जो आज तक जी बन के उसको एक साल हो गया लगभग, और वो टंकी से पानी लगभग 4 या 5 दिन आया जी। प्रति टंकी जो हमारे गांव में लगाई गई थी, उसमें जितने कनेक्शन दिए गए, हर घर से 500-700 रुपए लिए गए जी। कौन लिया पैसा? जेई प्रधान और उनके कुछ और लोग आते थे जी, वो बताते थे पैसे जमा होंगे जी। जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनको कनेक्शन आज तक अभी तक नहीं दिया गया जी। ऐसे कितने लोग हैं जिनको कनेक्शन नहीं दिया गया? हमारे समझ से तो लगभग अभी तक हमारे इस अशोकवापुर के अंदर 20 लोग हैं, और पूरे ग्राम सभा में लगभग 90 या 80 लोग हैं जी, जिनको अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया। और पानी इतना दूषित है जी, जिसमें कुछ बताया नहीं जा सकता। इसी वजह से यहाँ निर्मल परियोजना के तहत टंकी बनाई गई थी, और वो पूर्ण रूप से तो बनके कंप्लीट है जी, लेकिन पानी का हम लोगों को आज तक दर्शन नहीं है जी। अच्छा, इसके बारे में कभी कोई जांच वगैरह आई? जांच कई बार आई है जी, और जब भी जांच आती है, एक बार जेई साहब खुद आए थे जी।